वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कुछ थोड़ी मसरूफियात थी जिस वजह से व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रहा है, उस हिसाब से प्लान किया कहीं घूमने फिरने के लिए आएँ, आपको भी साथ एंजॉय कराते हैं। सो लेट्स गो। लें जी, टाइम हो गया है, शाम का टाइम है ऑलमोस्ट 5:17 और फॉग की हालत देखें। अब हम निकलने लगे अपने सफ़र पर, आग बताते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं। सो ये फ़िलहाल सरप्राइज़ है, तो वेट करें। मोटरवे पर पहुंच गए हैं और कदरे जो हालत है वो फॉग की बेहतर है। मोटरवे से पहले जो है ना फॉग बहुत ज़्यादा थी, अब फॉग जो है वो थोड़ी कम लग रही है। तो गेस करें हम किस एरिया में जा रहे हैं जहां फॉग कम होती है। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने ना हमारी सुन ली है, यहां पर चलाएं। हम कह रहे थे मोटरवे पर फॉग नहीं है, लेकिन अचानक से इतनी शरीफ फॉग आ गई है कि आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब अब शरीफ फॉग हो गई है। हम कह रहे थे अच्छा हुआ इस तरह मोटरवे पर फॉग नहीं है। अच्छा एक टिप है कि अगर आप स्क्रीन पर फॉग आ जाए और आप उसको फ़ौरन से ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप एसी ऑन कर दें और हवा का जो रुख है ना वो आप स्क्रीन की तरफ कर दें तो फ़ौरन से स्क्रीन से फॉग हट जाती है। ट्राई करिएगा, हमने भी किया है। जी सारी मैंने ही खाई थी, इतना सिर्फ देखा था। अब मैंने बोल सकता हूँ हाजरीन, आप बिल्कुल मशहूरी करने के लिए मैं कहूँ मैरी बिस्किट आप ट्राई करिएगा सिर्फ, और लेकिन कभी खाइएगा नहीं। और ये बिस्किट जो है ये आप घर में रखें, इधर कर ले बिस्किट, घर में बिस्किट रखें, बहुत मज़े के हैं, नमकीन और टेस्टी बिस्किट हैं। और फ्री मिले तो, फ्री मिले तो आप ना खाइएगा, तो अपने पैसे लेके खाइएगा। और हम एक मिशन पे हैं। कौन से मिशन पे हैं? मिशन पे हम मरी जा रहे हैं और आगे पता नहीं हम कहाँ जाना है। हमने कल रात 12 से पहले पहले वापस पहुँच रहे हैं क्योंकि वो हमने घर जाना है। और कुछ? और जी हम क्यामतान पे रुके हैं और बारबेक्यू करने के लिए हमने गोश्त मसाला ऐड किया है और बिलाल जो है ये काम सर अंजाम दे रहा है। जी फाइनली हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं टूल प्लाजे पे। इसके बाद अभी भूख लग रही है बहुत शदीद, तो कुछ खाने पहले खाने के लिए जाएंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या प्लान है। प्लान रैंडम ही है, कोई आइडिया नहीं कहां जाना है, लेकिन इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। प्लाजा से उतर के हमने गूगल से पूछा कि इस्लामाबाद में अच्छा पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है, तो वो ले आया हमें चीज़ यस पे। बाकी पिज़्ज़ा की वीडियो बनाना हम भूल गए हैं, तो आप हमारा यकीन कर लें कि हमने पिज़्ज़ा खाया है। यहाँ से निकलने के बाद हमने यही प्लान किया कि रात इस्लामाबाद में रुकने की बजाय डायरेक्ट चलते हैं मरी और वहाँ स्टे करते हैं, वहाँ रेस्ट करेंगे रात को और फिर जो है सुबह के लिए जो है वहीं घूमे फिरेंगे। तो रात के ऑलमोस्ट जो हैं 1:30 बजे हम मरी पहुँचे हैं, तो हमने वहाँ पे पहुँच के रूम बुक करवाया है। अच्छा, रूम में एंटर होते ही सामने डबल बेड, LCD
और 24 आवर जो है गर्म पानी है, वॉशरूम, और ये बालकनी टाइप है, टेरेस जैसे कहते हैं, यहाँ बैठने के लिए, मतलब चाय वगैरह पीने के लिए या गपशप लगाने के लिए। तो रूम हमें अच्छा मिल गया। थोड़ी सी देर हमने रेस्ट की है, अब हम जा रहे हैं माल रोड। यहाँ पे पिक्चर बनाना, वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि पता तो चले हम वाकई में मरी आए हैं। तो अब आपको दिखाते हैं माल रोड में, रात के 2 बज रहे हैं कि माल रोड में कैसी रौनकें हैं। रात के 2 बजे हम माल रोड पे गए हैं, 2-3 बजे। तो माल रोड के ये हालात हैं, माल रोड खाली है बिल्कुल, ऐसा हुआ नहीं आज तक मरी में कभी। लेकिन पता नहीं क्यों दिसंबर 29 को हम गए हैं, खाली होना नहीं चाहिए था। माल रोड घूम घुमा के, खाली माल रोड देख के हम वापस आ गए हैं। और हमने सोचा क्यों ना, टाइम हो गया 4:14, तो हमने सोचा क्यों ना बारबेक्यू कर लिया जाए। तो आग जला रहे हैं, बारबेक्यू करते हैं, खाएंगे, उसके बाद जो है फिर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, ताकि सुबह उठ के थोड़ा फ्रेश भी हों। 5 तो हो जाएंगे हमें सोते सोते ही, सुबह के 5। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा है, मौसम क्लियर है। और ये होटल है जहाँ हमने स्टे किया था। गुड मॉर्निंग हो गई है जनाब, और पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं अब। बिलाल जो है वो फेस वॉश करने गया है, मैं रेडी हो गया हूँ, और अब जाना है पतरियाटा चेयर लिफ्ट पे, उसके बाद फिर घर इंशाल्लाह वापस आएंगे। पत्रियाटा चेयर लिफ्ट जो है वो क्लोज़ है, जिसकी वजह से फिर हमें पिंडी पॉइंट जाना पड़ा। ओके जी, तो हम मरी से सुबह निकल चुके हैं और आवाज़ आ रही है, आवाज़ जाएगी। हाँ, पिंडी पॉइंट आए हैं चेयर लिफ्ट फिलहाल, और मैं चूल्हा लेने के लिए टिकट भी दिखा दो कि सही है। ये 2 टिकट्स हैं हमारे पास, 800 जो है वो पर हेड टिकट है, और शाम 4 बजे तक का टाइम है। अब हम एंजॉय करने जा रहे हैं आप लोग। आप मरी में आएँ और बंदर ना देखें तो फिर मरी आने का क्या फ़ायदा हुआ। वापस हम निकल रहे थे तो हमें रस्ते में बंदर नज़र आए, तो यहाँ हमने अच्छा खासा एंजॉय किया है, बंदर के साथ वो खेले भी हैं, उनको बिस्किट दिए हैं। बिस्किट क्या दिए, गाड़ी में जो कुछ पड़ा था वो सारे खाने पीने का जोश जोश में हमने सारे बंदरों को खिला दिए। अगेन विद द हेल्प ऑफ गूगल भाई साहब, हमने सर्च किया कि रैंकिंग वाइज, रेटेड वाइज कौन सा होटल अच्छा है। तो हम आए हैं, ये 1969 ये होटल है, खाना शाना खाने के लिए आए हैं यहाँ पे। इनका एम्बियंस बहुत अच्छा है, मतलब डिफरेंट हॉल्स बने हुए हैं, हर हॉल की जो है वो अलग अलग व्यू है, अलग अलग डेकोरेशन है, तो बहुत अच्छी जगह है, मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है यहाँ पे खाना खाने।
डिनर टाइम हो गया है और बट कढ़ाई पे आए हैं, यहाँ डिनर करेंगे देन सीधा वापस घर को। बट होटल पे हमने इनकी बोनलेस कढ़ाई मंगवाई है और बिलाल को राइस खाने थे तो यहाँ राइस अवेलेबल नहीं है, वो बाहर गया है, पुलाव वाले एक होटल है वहाँ से पुलाव लेने के लिए। मुझे अपना जलवा दिखाइए, मुझे